ये तो 4 महीने हो गए खुला है यहाँ के सरपंचों को, यहाँ के मेंबरों को बोल बोल के थक गया मैं। मेरे यहाँ फोन का रिकॉर्ड है मेरे छोटे फोन में, और ये गंदा नाली का पानी मेरे घर के अंदर आता है, बोलते आज आ रहे कल आ रहे, चार महीने से पड़ा है यहाँ पर, कोई सुनाई नहीं हो रही। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने से किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, कन्हान के पास कांदरी है जहाँ लोग अपने घर के सामने जो नाली होती है उसको लेकर के इतने परेशान हैं कि वो वहाँ उनका रहना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, ये सिर्फ एक वार्ड जिसका मैं कवर कर पाया हूँ, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम हर वार्ड में है, क्योंकि इससे पहले आम सभा हुआ था गांव में, और उस आम सभा में हर एक वार्ड से कुछ न कुछ समस्या जो नाली से संबंधित था वो लोगों ने वहाँ पे रखा था। सरपंच साहब से आपकी बात होती है? सरपंच साहब से कई बार बातचीत हुई। क्या बोलते हैं सरपंच साहब? बोले वो विश्वकर्मा के तरफ से उल्टी नाली बनाना है, बोले यहाँ से इधर बनाना, इधर से अंदर, मतलब उल्टा पानी कहीं चढ़ा है क्या यहाँ। कई बार उनसे बातचीत करा तो बोले कोई सजेशन नहीं, तो मैं बोला तुम एक काम करो, केसीसी की नाली तुम्हारी नहीं है, वो गवर्नमेंट की है, तुम अपनी स्वयं की नाली बनाओ और वहां से पानी चालू, ये पानी का समाधान करो। वो बोलते इतना फंड नहीं, तो फंड नहीं था तो ये नाली क्यों उखाड़ के फेंक दी तुम? ये गंदा इतना है कि रात में तो रहना नहीं होता यहाँ, तो बीमार गिर जा रहे लोग। और मेंबर वगैरह यहाँ से? मेंबर ये मंगेश की पत्नी है, तो मंगेश आता है उसका पति, उसको 100 बार बताया, उसके भी फोन मेरे पास 10 बार होंगे, कौन से तारीख को बुलाता था, क्या करता था। एक महेश करके एक लड़का है उसको बुलाता था, उससे बातचीत कर, कोई सुनने खाली कोई सुनने को नहीं। इस संबंधित हमने गांव के सरपंच बलवंत पडोले जी से भी बात की, उनकी क्या प्रतिक्रिया है आइए वो भी सुनते हैं। वार्ड नंबर 4 वहाँ जो नाली का काम रुका हुआ है उसका कारण ऐसा है, वहाँ नाली का काम करने के लिए अपन पाइप वगैरह डाले और काम स्टार्ट करके एंडिंग करने वाले थे, ख़त्म करने वाले। ऐसे में जब नाली खोदे तो हाईवे का एक नाली का प्रॉब्लम वहाँ आ गया कि वो नाली में पूरा मलमा भरा हुआ 1 से 1.5 फुट। तो अपन वो NHAI को उसके बारे में कंप्लेंट भी दी है, उनके लोग आके वहाँ वो नाली सफाई का काम करने वाले, उन्होंने कुछ काम किया है, चेंबर फोड़ के रखे, लेकिन पूरी तरह से अभी तक वो नाली सफाई हुई है और उसके कारण वो काम डिले हो रहा है, क्योंकि अभी अपन उसमें पाइप डाल देते हैं, उसको पैक कर देते हैं, तो जो हाईवे के नाली में जाने वाला मलमा है वो अपने पाइप में जाएगा, उससे अपनी नाली भी चोक होने के चांसेस। तो लगभग बरसात भी आ गई है और वहाँ पे लोगों की तकलीफ मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगी बरसात में नाली। उसके लिए मैं अभी 2 दिन पहले भी उनसे बात किया हूँ, जो अधिकारी है NHAI के जी, वो भी जल्द से जल्द करने के लिए बोल रहे हैं। जेल के तरफ अपना डाउन एरिया मिलता है वो ड्रेन के लिए, उसको जेल के तरफ लाके हाईवे के ट्रेन में जोड़ने के लिए अपन बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, एक प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। और उसके बाद में शिकायत करने के बाद में उनके कहना है जाओ इसकी कंप्लेंट डालो, जिला परिषद में देना है, पंचायत समिति में देना है, जहाँ तुमको जाना है वहाँ जाओ। वही तो नहीं समझ में आता, किसको बोलेंगे? सरपंच को बोलो तो सरपंच भी नहीं सुनता है, वो आएगा बोले हाओ हाओ हो जाएगा आजकल करते करते। ये कितने महीने से ऐसे ही हालत है ये नालियों की? 4 महीने हो गए। 4 महीने से ऐसे ही? 4 महीने से। और 4 महीने से लगातार आप लोग कोशिश ही कर रहे हैं? कोशिश ही, देर रोज एक फोन बता दूंगा मैं। 1 महीने के बाद बरसात आने वाली है? अरे अभी 8 दिन में बरसात है, 1 महीना कहाँ, 2-4 दिन में बरसात है। फिर बरसात में आप लोगों को तो काफी दिक्कत हो जाएगी। बरसात में तो पूरा डेरा खाली करना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत के कार्य प्रणाली पे किससे आप लोग खुश हैं या फिर नाराज हैं? बहुत अच्छे खुश है ना साहब, खुशहाली का दिखा रहे हैं ना यहाँ आके, खुशहाली तो है, खुशहाली है ना, वो दिखा रहे हैं बदबू में रह रहे हैं। उस दिन बिजली का पोल गिरते गिरते बचा है नाली खोदने के कारण, वो कम से कम नहीं तो आधे में ऐसा लटका हुआ था। वो तो अच्छा हुआ वो MSEB वालों को कंप्लेन किए तो आके अपना रस्सा वस्सा बांध दिए, वो भी घर पे रस्सा बांध के गए हैं, उसका भी कोई वो भगवान घर से लटका हुआ एक वो पाइप के उसके वजह से। ये नालियों की सफाई वगैरह होती है कि नहीं होती है? सफाई होती है सर, आप देख रहे हो, अगर नालियों की सफाई होती तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कभी 15 दिन में आए, एक फावड़ा मारे, ये यहाँ रख दिए और चले गए। पिछले 1 महीने से तो सफाई हुई नहीं है, ये गारंटी की एक पिछले 2-3 महीने के ऊपर सफाई नहीं हुई। दोस्तों NHAI का ये यहाँ पे चैम्बर है और नाला है, और ये चैम्बर इतना बड़ा है कि इस कुछ दिन पहले ही इसमें एक गाय गिर गई थी, जिस चैम्बर से गाय गिरी थी उसके अगले चैम्बर से गाय को निकाला गया था, यानी कि खतरा इतना ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा उसमें गिर के कभी भी उसके साथ हादसा हो सकता है। नाली का चैम्बर खुला हुआ है और काफ़ी समय से खुला हुआ है, उसमें बीच में गाय भी गिर गई थी,
वो हाईवे की जो चैम्बर काम चल रहा है वो किसने वो चैम्बर खोला किसने आपने हाईवे वाले जो केसी है एनएचआई का जो काम है नाले तो हाईवे की है ना तो एनएचआई वाले ही वहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने चैम्बर खोले है क्योंकि वो चैम्बर नाली सफाई काम अपने ग्राम पंचायत का नहीं है तो उसको बंद करने के लिए आप लोगों की बात हुई क्योंकि उसमें कभी भी हादसा हो सकता है वो रिस्की तो जिस समय वो गाय गिरी थी फोन आया था मेरे को मैं उनसे बात भी किया उन्होंने चैम्बर के ढक्कन बनाना चालू कर दिया लेकिन अभी भी ढक्कन लगाने से अपनी जो समस्या है नाली की वो खत्म नहीं होगी क्योंकि अपनी समस्या है कि भैया वो जो उसमें गार पड़ा हुआ है पेड़ कुछ मलवा है वो पूरी तरह से जड़ से निकलेगा तो अपने को काम करने में सुविधा होगी आ जाऊँ आ जाता तुम के दोबारा झांकने नहीं आता का वो आप एक बार पागा जाएगा ना दोबारा का दोबारा का आएगा फिर आने वाले 2-3 महीने के बाद चुनाव है और लोग किस तरीके से त्रस्त हैं ये भी हम देख रहे हैं और आने वाले चुनाव में ये समझ में भी आएगा कि आखिर लोगों का मत क्या होता है और आखिर लोग क्या चाहते हैं। आप देखते रहें आज की खास बात वीर सिंह।